चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर रेगुलर के स्टूडेंट्स के बारे में। जस्ट तो सभी छात्र छात्राएं कमेंट करके, और हर वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। यस, तो आज 9 सितंबर है, और हर वीडियो और आपके हर कमेंट में मैंने सभी छात्रों को बताया कि 9 सितंबर को बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आज 9 सितंबर है और बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सीएचयू से संबंध कॉलेजों में बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया है। 100 के करीब कॉलेजों का रिजल्ट प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजने के कारण रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों से जल्द प्रैक्टिकल के अंक भेजने को कहा है। आपको बता दूं कि न्यूज़ बाबा हमेशा सटीक एवं सत्य जानकारी लेकर आता है, तो मैंने आपकी हर कमेंट में और आप अपनी जो है हर वीडियो में आपको बताया कि बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट 9 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। जो आज विश्वविद्यालय ने 9 सितंबर को बीए फाइनल ईयर रेगुलर का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो छात्र छात्राएं, जितने भी बीए फाइनल ईयर रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूँ कि 100 के करीब ऐसे कॉलेज हैं जिनके प्रैक्टिकल के अंक नहीं मिलने के कारण उनके रिजल्ट को रोक दिया गया है। जब तक ऐसे कॉलेज अपने प्रैक्टिकल के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, तो इन सभी छात्र छात्राओं के रिजल्ट को नहीं जारी किया जाएगा। तो आप सभी छात्र जो है 12 बजे के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ में हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, और आपने जो पेपर दिए थे उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी परसेंटेज आई है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।